अभी है फ्रेंड शाम का टाइम और आज मैं फ्रेंड आपके साथ कोई ब्लॉग वगैरह शेयर नहीं कर रही हूँ, ना कोई वीडियो शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। बस मैंने सोचा आज आपसे कुछ बात की जाए फ्रेंड, और मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। मैं इसलिए वीडियो भी नहीं डाल रही हूँ, 2 दिन हो चुके हैं मेरी वीडियो नहीं गई अभी तक, और मैंने बनाई भी थी वीडियो, ब्लॉग वगैरह बनाया था, बट मैंने आपके साथ शेयर नहीं करा फ्रेंड। क्योंकि क्यों फ्रेंड, जब किसी को देखना ही नहीं है, किसी को सपोर्ट ही नहीं करनी, तो फ्रेंड क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा मुझे वीडियो डालने से फ्रेंड। तो इसलिए फ्रेंड मैंने वीडियो नहीं डाली है, और इसलिए मैं आज मतलब वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपसे मैं अपना जो बात है, जो भी मेरा मैं अपसेट हूँ, वो आपके साथ शेयर कर सकूँ कि मैं क्यों मतलब अपसेट हूँ फ्रेंड। मैं आपको बता दे तो फ्रेंड, मैंने लास्ट वीडियो डाली थी बाथरूम क्लीनिंग की, तो उसमें सिर्फ मुझे मिला है 1 घंटा 3 मिनट, सिर्फ 1 आवर और 3 मिनट्स, तो वो मेरे लिए कुछ भी नहीं। अगर एक दिन में मुझे 1 आवर्स मिलता है, 1 घंटा मिलता है मुझे, तो फ्रेंड ऐसे तो मुझे पता नहीं कितना साल लग जाएंगे यूट्यूब पे, मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं होगा फ्रेंड। तो मैं आपसे फ्रेंड ये कहना चाहती हूँ, अगर मैं सबकी वीडियो वॉच करती हूँ, मैं सबकी वीडियो पे जाती हूँ फ्रेंड और पूरी वीडियो वॉच करती हूँ, ऐसा नहीं है किसी की वीडियो 10 मिनट की है, किसी की 12 की है, किसी की 8 मिनट की है, तो मैं फुल वॉच कर लेती हूँ। अगर किसी की ज़्यादा लंबी वीडियो होती है तो मैं उसको 2 बार में वॉच करती हूँ, एक आधी आज कर लेती हूँ, आधी नेक्स्ट डे कर लेती हूँ, कमेंट जरूर कर देती हूँ, लिख के लाइक करती हूँ, किसी ने भी देखा होगा तो मैं हमेशा लिख के लाइक करती हूँ कि मैंने मतलब 31 लाइक करा है या 21 करा है, 9 करा है, फर्स्ट लाइक करा है, तो मैं हमेशा लिख के लाइक करती हूँ। बिना लाइक के मैं कभी किसी की वीडियो पर नहीं आती, क्योंकि हमारे एक लाइक से किसी का कुछ नहीं जाएगा। हम क्यों किसी को अनलाइक करें, क्यों? क्योंकि फ्रेंड जैसे मैं मेहनत करती हूँ, ऐसे आप सब भी मेहनत करते हैं, तो इसलिए हमेशा सबको अपनी जगह रख के देखना चाहिए फ्रेंड। ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मैं उससे ऊपर हूँ, वो तो मुझसे नीचे है, मेरे इतने अच्छे व्यूज़ आते हैं, या मेरा मोनो हो गया है, तो मैं अब उनको छोटे यूट्यूबरों को नहीं पूछूंगा। क्योंकि फ्रेंड जो छोटे यूट्यूबर होते हैं ना, वही उनको मोनो करवाते हैं, वही उनको आगे तक लेके जाते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड, मैं तो यही कहूँगी कि कभी भी मतलब कि अपने छोटे फ्रेंड को, छोटे फ्रेंड हो या जो भी हो, निजी ज़िंदगी हो, यूट्यूब की ज़िंदगी हो, कभी अपने को किसी से मतलब कि कम नहीं समझना चाहिए। मैं आपसे यही कहूँगी, और कभी भी ये मत सोचना फ्रेंड कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बिना सपोर्ट के आगे बढ़ जाऊँगी। फ्रेंड यूट्यूब की दुनिया में भी और निजी दुनिया में भी सबको सपोर्ट की ज़रूरत है, ऐसा नहीं किसी को सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, सबको है और सबको पढ़ती है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मैं तो अपने आप ही सब कुछ कर लूँगी, क्योंकि ये दुनिया है फ्रेंड और यूट्यूब तो एक अलग बात है, तो सबको एक दिन सबकी ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपने आप ही सब कर लूँगी। और फ्रेंड मैं आपको बता देती हूँ, मेरे घर में कोई मतलब संभालने वाला नहीं, आपने देखा होगा मेरी 2 बच्चियाँ हैं, बच्चे भी इतने बड़े नहीं हैं, छोटी फैमिली मतलब छोटे बच्चे हैं। मेरी बेटी 7 ईयर्स की है और एक बेटी मेरी अभी 3 ईयर्स की होने वाली है। तो फ्रेंड मुझे बच्चों को भी देखना होता है, उनको नहलाना धुलाना, उनका खाना पीना करना, घर गृहस्थी को भी देखना, और फ्रेंड मतलब कि हस्बैंड को भी देखना, जो मतलब सब कुछ एक हाउसवाइफ को देखो बहुत कुछ करना पड़ता है। उसके बाद जो उसके लिए टाइम मिलता है वो सोचते चलो यूट्यूब पर थोड़ा सा काम कर दो, जबकि हस्बैंड वगैरह ऐसे बोलते थे कई बार ही कि कुछ नहीं मिलने वाला और कुछ नहीं होएगा, तो सबकी वीडियो देखती है, तो सबकी वीडियो वॉच करती है, कोई फ़ायदा है तेरी वीडियो तो कोई वॉच नहीं करता, ऐसे बोलते हैं, तो कहते रहें तो कोई बात है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा, ऊपर वाला देखता है, ऊपर वाला मुझे फल देगा, और कोई नहीं देगा तो ऊपर वाला देगा। सॉरी फ्रेंड कोई आ गया था तो इसलिए मैंने वीडियो पुश कर दी थी। तो फ्रेंड मैं तो यही कहूँगी, कोई नहीं देख रहा तो ऊपर वाला देख रहा है, और फल देने वाला तो ऊपर है। अगर मैं अच्छा करूँगी फ्रेंड तो मेरे साथ भी अच्छा ही होगा, अगर मैं बुरा करूँगी तो मेरे साथ भी बुरा ही होगा, मैं तो यही सोचती हूँ। और बाकी सब सबकी अपनी अपनी सोच है फ्रेंड, और बस मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करती फ्रेंड। मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पे आना है तो प्लीज़ फुल वॉच के साथ आना, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड देखो YT पे सबको एक दूसरे के सपोर्ट की ज़रूरत है, सब चाहते हैं कि कोई मुझे सपोर्ट करे, तो मैं भी उसको सपोर्ट करूँगी, जब भी तो वो मुझे सपोर्ट करेंगे ना। तो प्लीज़ फ्रेंड मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं सबकी वीडियो को वॉच करती हूँ, चाहे वो मेरे ओल्ड फ्रेंड हो चाहे न्यू फ्रेंड हो। ऐसा नहीं है कि नहीं मैंने ओल्ड छोड़ दिए और न्यू फ्रेंड बना लिए। आज मेरी एक फ्रेंड है प्रिया लाइफ स्टाइल, तो मैं उनकी वीडियो मतलब जब भी टाइम मिलता है मैं जब देख लेती हूँ,
क्योंकि वो थोड़ी बड़ी बड़ी वीडियो डालते हैं, तो मैं कभी तो फुल वॉच कर लेती हूँ और नहीं तो मैं 10 मिनट की या 12 मिनट की वॉच करती हूँ। तो अभी उन्होंने 2-3 दिन पहले शायद 18 मिनट की वीडियो डाली थी, तो वो तो मैं देखी ही नहीं है मैं आपको सच बताऊँ। और कल मैं मतलब देखी थी, आज मैंने उनकी वीडियो देखी थी, वो है 15 मिनट की। तो फ्रेंड मैंने 15 मिनट की वीडियो फुल वॉच करी थी, मैंने चला के छोड़ दी थी। और ना तो उन्होंने वीडियो फास्ट करी हुई थी और ऐसा नहीं था कि स्लो कर दिया फास्ट कर दिया, नॉर्मल थी वैसे ही उन्होंने वीडियो डाल रखी थी, बिल्कुल 15 मिनट कुछ सेकंड की थी, मुझे ध्यान नहीं है। तो फ्रेंड वो मैंने फुल वॉच करी है। अगर आपको मतलब कि ट्रस्ट तो खैर हो ही नहीं सकता, मैं आपको क्या बोलूँ, बट मैंने उनकी वीडियो को फुल वॉच किया था फ्रेंड। और सबकी वीडियो फुल वॉच के साथ ही आती हूँ, लाइक भी कर। तो फ्रेंड वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं तो यही कहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पे आना है तो प्लीज़ हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फुल वॉच के साथ आना, और नहीं तो प्लीज़ मत आइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको ज़बरदस्ती बोलती हूँ कि नहीं मेरे घर चलो मैं आपको खींच के ला रही हूँ, कि नहीं मेरे घर चलो मेरी वीडियो को देखो, ज़रूर देखो, नहीं तो मैं आपको ये कर दूँगी वो कर दूँगी। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं आपके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आपको आना है तो प्लीज़ फुल वॉच के साथ आना, नहीं तो मत आना प्लीज़। मैं कोई आपसे नहीं बोल रही हूँ कि नहीं आप जरूर आओ, और मैं तो प्लीज़ सबकी वीडियो पे जाती हूँ फुल वॉच करने, क्योंकि फल देने वाला ऊपर रहता है, मैं यही कहूँगी, लास्ट में भी यही बोलूँगी। तो प्लीज़ वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है फ्रेंड, तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ अपना सपोर्ट और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना फ्रेंड। तो मिलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड।